नए बाजार पर हमला इलाके की साख के लिए अच्छा नहीं था, काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसके दोबारा कायम होने के बाद कोई और नहीं होगा, वहां सिर्फ हम होंगे, लिहाजा एहतियात करना होगी। शेख अदाबाली, अदाबाली वहां होंगे दुंदार साहब, बातचीत जब तिजारत की होती है तो आही का नाम जहन में आता है। आही का मतलब है मुसीबत बंसी साहब, हर एक के लिए एक बड़ी मुसीबत। ना तो मैं और ना ही आलीशार साहब उनको वहां जगा देंगे। हमें आही और बाकी ताजिरों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना होगा। भतीजे ने इस पर बहुत मेहनत की है। लोग अब तक वो हादसा भूले नहीं हैं। हत्ता के बाजार में खून भी अभी ताजा है। अपने फायदे के लिए हमले का इस्तेमाल करना हमें जेब नहीं देता। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे भतीजे, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे दुख नहीं? मुझे बताओ, क्या ये लोग दुखों को खाएंगे और आंसू पिएंगे? हमें फौरी तौर पर बाजार को बहाल करके तिजारत के लिए इकदामात करने होंगे। हर किसी ने बाजार में देखा, जो कई सिपाहियों की हिफाजत में नहीं था उस पर हमला हो गया, कोई नहीं बचा सका उन्हें, कोई भी नहीं। और इस तरह उस इलाके में हमारी साख और भी बेहतर होगी। क्या सोफिया आपके साथ इत्तेफाक करती है दुंदार साहब? सोफिया और उसके कमांडर कालानोस ने वादा किया है हमसे, वो अपने मरहूम शोहर के रास्ते पर चलेगी, यही उसके लिए बेहतर है। काश के आप दुश्मनों के साथ जितने माहिदे कर रहे हैं इतना ही आप शेख अदाबाली के बारे में भी सोच लेते। मत भूलें कि मंगोलों ने कुंदोदो साहब और आपके बेटे को छीन लिया। अदाबाली जहां भी गया वहां मुश्किलें ही लाया। अब हम खून नहीं बहाना चाहते। फिक्र ना करो जहरा खातून, अल्लाह के हुक्म से तुम अपने नसीब से नहीं भाग सकती। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे।